हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के मिलियंस में लाइक्स आ चुके हैं। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इस वीडियो को जितनी कमर है इस चैनल पे अपलोड किया गया है और मैं देख रहा हूँ इस वीडियो पे काफ़ी तेज़ी से लाइक्स एंड व्यूज आ रहे हैं। तो इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, एक वीडियो शूट करना है। आप जब भी वीडियो शूट करेंगे तो आपके बैकग्राउंड में ग्रीन कपड़ा या फिर ब्लू कपड़ा होना चाहिए। जैसा कि ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो जो शूट किया गया है रेड कलर में शूट किया गया है, तो आप रेड कलर का भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं। इसके बाद वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनवास एप्लीकेशन और एक गर्ल वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस का आइकन पर क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, मीडिया पर आना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। सॉरी, आइडियो फेड आउट को मैं ऑफ करता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। तो मैं जो वीडियो शूट कर रखा उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट कर लिया हूँ। वीडियो जब भी शूट करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, आपको बैकग्राउंड में एक ही कलर का आपका कपड़ा होना चाहिए। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज किया हूँ, तो आप चाहे यहाँ पे तो ग्रीन कलर या फिर ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है आपको इसे सिंपल क्रॉप पे क्लिक करना है। जैसे कि आप यहाँ इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और कुछ इस तरह से आपको एक्स्ट्रा पार्ट को क्रॉप भी कर सकते हैं। इसके बाद डन करते हैं, वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, सिंपल आपको इसे इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है और आपको यहाँ पर रेड कलर सेलेक्ट कर लेना है। रेड कलर मैं इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि जो मैं बैकग्राउंड में कपड़े यूज किया हूँ रेड कलर का यूज कर रखा हूँ। यदि आप ग्रीन कलर यूज करेंगे तो आप ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, यदि ब्लू कलर यूज करते हैं तो ब्लू कलर सेलेक्ट करना है। इसके बाद डन करेंगे। इसके बाद आपको वीडियो को यहाँ से एडजस्ट करना है सही तरह से, जो आपको रेड कलर दिख रहा था उसे आपको पूरी तरह से रिमूव कर देना है कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं लगभग हमारा जो रेड कलर था वो रिमूव हो चुका है। फिर से हमें अपने वीडियो कलर पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से जूम कर आपको सही से एडजस्ट आपको कर लेना है। इसके बाद डन करेंगे। फाइनली जब हम वीडियो प्ले करेंगे तो हमारे वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएंगे और हमारा वीडियो पूरी तरह से एडिट हो चुका है। इस वीडियो पे मिलियंस में व्यूज गए हुए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीडियो क्लिप पे क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है क्योंकि मेरे इस वीडियो में ऑलरेडी साउंड ऐड है। सेटिंग पर क्लिक करना है, आईओ फेड आउट मैंने ऑलरेडी ऑफ कर चुका हूँ। शेयर पर क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।